हेलो फ्रेंड्स, मैं एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं अपनी एक और वीडियो में। आई होप आप सब अच्छे से होंगे। आज मैं आपको ले चलता हूं परमंडल, जिसको छोटा काशी के नाम से भी जाना जाता है, प्राचीन मंदिर वहां पे जो आप शंभू जी का है और जिसे स्वर्ण मंदिर के नाम से भी जाना जाता है, और गुप्त गंगा है वहाँ पे जिसकी महानता है कि वो मतलब सूखी रेत भी हो वहाँ पे भी आपको वो गंगा जो है वो गुप्त रूप से बहती रहती है। नीचे आप थोड़ा सा भी अगर खड्डा खोदेंगे तो आपको वो गंगा वहाँ पे दिख जाएगी। डिस्टेंस की बात की जाए तो हमारे घर से अप्रॉक्सीमेटली 12 से 13 किलोमीटर की दूरी पे है। 15 से 20 मिनट हमें वहाँ पहुँचने में लग जाएंगे क्योंकि रास्ता काफ़ी ठीक है वहाँ का। और नेशनल हाईवे की बात की जाए तो वहाँ से अप्रॉक्सीमेटली 22 से 23 किलोमीटर की दूरी पर पड़ता है ये मंदिर। चलिए फ्रेंड्स, फिर चलते हैं मंदिर, और वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखना क्योंकि फ्रेंड्स ये परमंडल रास्ते का व्यू है। ये देविका है, यहाँ पे गुप्त गंगा बहती है, मतलब कि इसका जो रास्ता है परमंडल पहुँचने का बेहद ही खूबसूरत है, और काफ़ी सारे सीनरी व्यूज आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएंगे। फ्रेंड्स ये एक शॉर्ट रास्ता है परमंडल आने के लिए, बट ये रास्ता भी हमने चूज़ नहीं करा है इस वजह से कि यहाँ पे देविका को क्रॉस करना पड़ता है। बरसात का मौसम है तो पानी वगैरह काफ़ी रहता है, तो कहीं गाड़ी ना फंस जाए इस वजह से। अदरवाइज़ यहाँ पे आपको 2 से 2.5 किलोमीटर का शॉर्ट देखने को मिल जाएगा अगर आप किसी और मौसम में आ रहे हैं। ये मेन परमंडल का बस स्टैंड है। पहले हम यहीं तक गाड़ी लेके जा सकते थे या देविका में जा सकते थे, जैसे बरसात थी तो हमने यहीं पे गाड़ी छोड़ दी थी। बट अभी क्या है कि अभी ये पुल बना हुआ है, पुल के उस साइड से रास्ता भी पक्का बना हुआ है, रोड बना हुआ है, तो आप गाड़ी आराम से काफ़ी आगे तक लेके जा सकते हो। ये मेरे पापा हैं, हम सब यहाँ पे कलश प्रवाहित के लिए आए हुए हैं क्योंकि हमारे गांव में सतवा बैठा हुआ था, तो इसलिए हम सब यहाँ पे कलश प्रवाहित के लिए आए हुए हैं। ये मंदिर का व्यू है, नीचे गंगा है देवी का, और ये सामने मंदिर है प्राचीन मंदिर जो आप शंभू जी का। ये मंदिर का मेन एंट्रेंस है।
आज तो इतना रश नहीं है, लेकिन अमावस्या के टाइम जब मेला लगता है तो सामने वाला जो दरवाज़ा बंद है वो खुला होता है और एग्जिट जो है वो आपको वहाँ से करना होता है। खास बात इस मंदिर की ये है कि ये जो आपको वाटर लेवल दिख रहा होगा कुंड में, ये हमेशा इतना ही रहता है, चाहे आप इसके अंदर कितना भी जल चढ़ाते हो। और अमावस्या के टाइम बहुत ज़्यादा जल यहाँ पर चढ़ता भी है, पर वाटर लेवल जो है वो हमेशा इतना ही रहता है, ना तो ये कम होता है कभी, ना ही ये बढ़ता है। गाइस, जिस राजा ने ये मंदिर बनवाया था, कहा जाता है कि काफ़ी देर के बाद उनके घर में एक कन्या का जन्म हुआ था जिसे हमेशा सरदर्द रहता था। तो उस टाइम काफ़ी हकीम वैद्य को दिखाने के बाद भी जब कोई लाभ ना हुआ तो तब राजा ने विद्वान से विद्वान पंडितों को बुलाया। जब कारण पता चला तो पंडित ने बताया उनको कि आपने पूर्व में जाके एक गिदड़ी का शिकार किया था, गिदड़ी जो वहाँ पे शिवकुंड में पानी पीने आई थी, तो राजा ने उसको तीर मारा था तो वो वहीं पे मर गई थी। तो उन्होंने कहा कि ये वही गिदड़ी है, उसका अगला जन्म है जो आपके घर में कन्या के रूप में आई है, तो आपको वहाँ पे जाके उस तीर को, जो अभी भी वहाँ पे लगा हुआ है, उस तीर को निकालना पड़ेगा। तो राजा ने वैसा ही किया था, वहाँ पे जाके उन्होंने तीर को निकाला था, तब जाके उनकी बेटी का जो सरदर्द है वो बिल्कुल ठीक हो गया था। तो गाइस, ये भी एक मान्यता है कि अगर आपके घर में या किसी को भी सरदर्द रहता है जो कभी ठीक ना हो रहा हो डॉक्टरों को दिखाने के बाद भी, तो वो आके यहाँ पे मन्नत मांगे तो उनका दर्द जो है वो डेफिनेटली चला जाएगा। तो आपको यहाँ पे शिवकुंड दर्शनों के बाद गिदड़ी माता के भी दर्शन करने होंगे, तभी दर्शनों को सफल माना जाता है। फ्रेंड्स, ये मंडल है जो पुल बना हुआ है देविका के ऊपर लोहे का। फर्स्ट जब आप परमंडल आ रहे हो तो फर्स्ट दर्शन देविका के आपको यहीं से होंगे। हेलो गाइस, हम वापस आ गए हैं। काफ़ी लेट हो गया था क्योंकि एक ऑटो गया था जो जिसने वही वो शॉर्ट वाला रास्ता इस्तेमाल कर लिया था, फंस गया था वो वहाँ पे, इस वजह से हम लेट हो गए थे। तो मैं खाना खा के सीधा दुकान पे आ गया हूँ, तो एंड जो है वो यहीं पे कर लेते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में। प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए, क्योंकि आगे आपको इस तरह की वीडियो मिलती रहेगी। तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर। मिलते हैं अगली वीडियो में।